ब्रिटिशांनी 1947 साली अखंड भारताला स्वातंत्र्य दिलं, पण भारत आणि पाकिस्तान अशी फाळणी करून त्या फाळणीत रक्ताची नाती ही दोन देशांच्या सीमारेषांनी विभागली. अर्ध कुटुंब पाकिस्तानात तर अर्ध कुटुंब भारतात. कुणाचं आजोळ पाकिस्तानात गेलं तर कुणाचं माहेर भारतात राहिलं. त्या घटनेला आता 77 वर्ष उलटून गेली आहेत आणि याच 77 वर्षांनंतरही मुंबईत तब्बल 1200 कुटुंब निर्वासितांचं जीणं जगतायत. पण आता त्यांच्या डोक्यावर हक्काचं छप्पर येणार आहे. पाहुयात एबीपी माझाचा खास रिपोर्ट. हे आहे व्यास कुटुंब. गेल्या 3 पिढ्यांपासून हे कुटुंब पाकिस्तानात सोडून आलेल्या आपल्या वडिलोपार्जित हवेलीच्या आठवणी जागवत भारतात स्वतःच्या हक्काच्या घराची वाट पाहतंय. ये शरणार्थियों की पहचान का कार्ड है. इसके अंदर जहां पर हम रहे आके सहारनपुर लिखा है, जहां ये इशू हुआ. और हमारे पिताजी का नाम रामचंद्र व्यास है, हमारे दादाजी का नाम उदो दास व्यास है. हिंदू जाति से हम बिलोंग करते हैं और मुल्तान शहर का जो है ये नाम हमारा है, वहां से हम विस्थापित होके आए हैं. पाकिस्तान च्या मुल्तान भागात सुक्या मेव्याचे मोठे व्यापारी असणारे व्यास कुटुंब फाळणीच्या वेळी मोजक सामान सुमान बांधून सीमापार आलं ते कायमच. व्यास कुटुंबातली लहानग्यांची ही चौथी पिढी आता आपल्या पणजोबा खापर पणजोबांच्या गोष्टी ऐकत मोठी होते. हमारे दादाजी का वूल्स का बिजनेस था, वहां पे व्यापारी थे हमारे दादाजी, लेकिन वहां से सब छोड़ के हम हिंदुस्तान में आए. भगवान के और दरबार में गुरु साहब के आगे भी जाके प्रार्थना की कि आपके आशीर्वाद से ही ये सब काम हुआ है. हमारा तो खाली प्रयास ही रहता है, बाकी करने वाला तो भगवान ही है. वहाँ पे तो जैसे पार्टीशन के टाइम पे हमारे दादा परदादा ने दुख दर्द जो झेला, यहाँ पे भी काइंड ऑफ हमें जब हमें यहाँ से निकलना पड़ा अनफॉर्चुनेटली 3 साल पहले, जब बिल्डिंग्स खाली हुई और डेमोलिश हुई, जो बिल्डिंग्स की जो खस्ता हालत हुई और डेमोलिश करने की वजह से वेकेट करवाना पड़ा. मात्र या आठवणींना वेदनेची ठसठसणारी किनारे. भारतात परतल्यानंतर पाकिस्तानातून आलेली ही 1200 कुटुंब 10 वर्ष निर्वासितांच्या छावणीत राहिली आणि त्यानंतर 1958 पासून सरकारनं बांधलेल्या सायन इथल्या सरदार नगरच्या 25 इमारतींमध्ये नांदली. मात्र 2020 मध्ये या इमारती अति धोकादायक श्रेणीत असल्यानं महापालिकेनं पाडल्या आणि पुन्हा एकदा या कुटुंबांच्या नशिबी निर्वासित होणं लिहिलं गेलं. 1999 से हम लोगों को BMC नोटिस देने लगी कि आपकी इमारत असुरक्षित है. थोड़ा सा शिकायत इस बात की रही कि 99 से हम लोगों को नोटिस तो मिल रहा था, लेकिन अगर BMC चाहती तो इस चीज़ को सरकार के सामने रख कर हमारा समय रहते हमारा कुछ ना कुछ योजना बना सकती थी. हमें उजड़ने के स्टेज पर ला दिया गया. कुछ लापरवाही कहीं से डिपार्टमेंट्स की हुई, लेकिन जो भी हुई जैसा भी हुआ आज हम सरकार से इतने खुश हैं कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा. 3-4 साल हो गए हमको कि हमको यहाँ से बाहर आए हुए और हमारे हालात पहले जैसे फिर हो गए जैसे हमारे वहाँ से आने के बाद थे. अभी फिलहाल हम लोग बाड़ा हर जगह भर रहे हैं और हमें पीछे से कहीं से बाड़ा नहीं आ रहा है. फाळणीग्रस्तांच्या विस्थापनाची ही कहाणी अखेर 2024 मध्ये संपेल अशी आशा आता निर्माण झाली आहे. तभी भी सरकार ने यहाँ पे हमको ये चीज़ बना के दी, सब कुछ दी. और हम बहुत ज़्यादा थैंक्स देवेंद्र फडणवीस को, जो हमारे DCM साहब हैं, उनको हाथ जोड़ के हम लोग GTB नगर की तरफ से उनको धन्यवाद करते हैं, जो इन्होंने इतना बड़ा स्टेप अपने पास लेकर सब कुछ लेकर उन्होंने हमारा ये सॉल्व किया है. तो सरकार से एक यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो टेंडरिंग का काम है वो शुरू हो. जो गवर्नमेंट है इसने हमको इतना अभी ये ढांढस बताया और हम लोग इतने अभी ये आशावत हो गए के अभी ये सरकार ने हमारी जो दुख तकलीफ है उनका सुना किया. या सगळ्याच निर्वासितांच्या पिढ्यांचं असं म्हणणं आहे की जवळपास 3 पिढ्या यांनी निर्वासित होण्याचे दुःख भोगलेलं आहे, ज्यामुळे पुन्हा एकदा म्हणजे 1947 साली हे निर्वासित झाले होतेच, मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा निर्वासित होण्याची वेळ त्यांच्यावर 3 वर्षांपूर्वी आली. आशा आहे की येणाऱ्या 4 वर्षांमध्ये यांना भारतात निर्वासितांचं नाही तर भारतीयांचं आयुष्य जगायला मिळेल. कॅमेरामन अनुप प्रस्तोगेंसह मनीष पाठक, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.